अस्सलामुअलैकुम जी, आज मैक्रोनीज की प्रेप हो रही है, तो ये मैंने पानी जो है वो चढ़ा दिया है चूल्हे पे। इसके बाद मैंने कुछ वेजीज वगैरह कट कर ली थी। ये मेरे पास मैक्रोनीज थी, इनको मैंने निकाल के रख दिया था, मुझे आइडिया हो जाए कितने यूज़ होंगे। पत्ता गोभी थी, शिमला मिर्च थी, ये अनियंस थे, कुछ टमाटो केचप के पैक्स पड़े थे मेरे पास, वो सारा कुछ। और ये मैक्रोनीज है, पहले बाहर निकाल के रख लेती हूँ, उसके बाद पानी को बॉईल करके जब एक सिमर आ जाता है तो उसमें मैं मैक्रोनीज को ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, ऐसे मैक्रोनीज चिपकती नहीं है। चिकन बोनलेस था नहीं मेरे पास, तो जो मिला था उसी से ही मैंने गुजारा किया था, इसमें से मैंने बोनलेस वाला निकाल लिया था। यहाँ पे मेरी मैक्रोनीज जो है बॉयल हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करती मैं इनको, क्योंकि बाद में मुझे दम लगाना होता है, तो उसमें फिर मैं इनको सेटअप कर लेती हूँ। ठीक है, ये इनको एक दफ़ा देखने के बाद मैंने एक बास्केट ली थी, इसमें मैंने इनको डेल लिया था, ठंडा पानी डाल के रख दिया था साइड पे। यहाँ पे मैंने कैबेज को कट आउट कर लिया था, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। फिर मैंने मसाला बनाने के लिए अनियंस और ये सारी वेजेस कट करके थोड़े से हल्के से ऑयल में शिमला मिर्च और अनियन एक साइड पे मैंने ये मसाला प्रेप होने के लिए रख दिया था। मुझे कच्ची कच्ची मैक्रोनीज नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा पकाती हूँ मैं इनको पाकिस्तानी स्टाइल में। ठीक है, एक साइड पे मैंने चिकन ब्रॉथ बनाना स्टार्ट किया था, और इसमें चिकन मैं बॉईल करती हूँ, उसके बाद इसको भूनती हूँ। ठीक है, ये ब्रॉथ जो है ये बाद में काम आता है मैक्रोनीज में जो वाइट सॉस बनती है उसके लिए, कभी वो बना देती हूँ कभी मैं इसको रख देती हूँ। आज मैं सोचूंगी मैंने क्या करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से दोनों चीज़ें बनती रहेंगी। फिर इतना ज़्यादा मैस हो रखा है साथ में, इसको भी साथ साथ क्लीन करूँगी। यहाँ पे मैंने इसमें आलू भी डाल दिए थे और गोभी भी डाल दी थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिली थी मुझे, मैंने मंगाई थी। इसको मैं डाल के बहुत अच्छी तरह से पकाऊंगी, उसके बाद इसमें चिकन ऐड करके, मैक्रोनीज ऐड करके, केचप जो भी मसाला मैंने ऐड करना है वो ऐड करके इसको मैं दम लगा दूंगी। मैक्रोनीज रेडी हो जाएंगी इसके बाद। मसाला मेरा कुछ ऐसा रेडी हुआ था, चिकन को मैंने श्रेड कर लिया था, जो मैंने आपको बताया था इस तरह से चिकन को, एक्चुअली अम्मी ने श्रेड करके दिया था मुझे। ये अब मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मेरा मसाला जो है वो भुन चुका है, इसको मैं अच्छी तरह से भूनूँगी और उसके बाद फिर मैक्रोनीज ऐड करूँगी। आलू मेरे जो है ऐसे ही नहीं गले, मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको दम पे रखूँगी मैं, ताकि ये जो है ज़रा सही से गल जाए। आज मैंने आलू बॉईल नहीं किए थे, डेली मैं आलू बॉईल करती हूँ, आज बस मेरे से गलती हो गई, जल्दी में मैंने अंदर ही डाल दिए, फूल के ही डाल दिए थे, तो मुझे लगा ये गल जाएंगे, बट एज़ यूजुअल ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। ये जी मैक्रोनीज मैंने इसमें डाल दी हैं अभी, तो ये उसी बास्केट की शक्ल में ही हैं जिस बास्केट की में मैंने इनको डाला हुआ था। अभी मैं इनको हल्का हल्का, नीचे मैंने पानी डाला था, ऊपर एक स्पून सिरका डाल के इनको दम लगा दूंगी, तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। इनको मिक्स नहीं करूंगी वरना ये टूट जाएंगी। ये थी जी इनकी फाइनल शक्ल। इस प्लेट में मैं इसको करूंगी डिश आउट, और फिर हम बनाएंगे कुछ नेक्स्ट, तो उसके लिए आप वीडियो के लिए वेट करेंगे। इस तरह से मैंने इसको डिश आउट किया था, घबराइए नहीं, इसमें से दो तीन लोगों ने खाना है, इकट्ठा सिर्फ एक बंदे का नहीं है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।